नमस्कार, हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अनुमंडलीय अस्पताल फिर से एक बार विवादों के घेरे में घिरता दिखाई दे रहा है और इस पर कोई आम आदमी अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि आम आदमी से चुना हुआ व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, एक वार्ड पार्षद है और वो महिला के रूप में लगा रही हैं आरोप। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हुसैनाबाद में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका ऑनलाइन किया जाता है जन्म तिथि के लिए, और जो वहाँ से निर्गत सर्टिफिकेट मिलती है उसके लिए 100 रुपये से लेकर के 400 से 500 रुपया उनसे वसूला जा रहा है जबरन। जबकि वहाँ के BPM से मैंने बात की और फ़ोन पर उनसे पूछा कि क्या आपके यहाँ पे सरकारी दर भी निर्धारित है कि लोग जो अपने रजिस्ट्रेशन को कराने आए तो उनसे कुछ शुल्क भी लिया जाए सरकारी शुल्क के रूप में, तो उन्होंने बताया कि नहीं। कितना पैसा दिए थे? 100 रुपये दिए थे, इसके बाद भी 4 दिन हमको दौड़ाया। 15 मार्च का डेट था, इसके बाद हमको अप्रैल में दिया। लोग बुलाते रह गया, आ जाइए कल आइए, तो फॉर्म बुला गया। इसके बाद भी हम दूसरा फॉर्म भरा करके ले गए साइन सिग्नेचर करवा करके, इसके बाद बैठे वहाँ 2 घंटा, इसके बाद हमको वो लोग दिया। इसके बीच में कुछ उसके पहले भी हल्ला गुल्ला हम किस तरह से किए, तब जा करके हमको मिला। एक बच्ची का हाथ में जख्म हुआ था, उसको हम ऑपरेशन कराने के लिए वहाँ दिखाने गए, तो वहाँ पर जब गए तो भोला सिंह करके कोई है वहाँ। जब ब्लेड की बारी आई, जब उनको बोले हमने ये बात, तो कहने कि ब्लेड बाहर से लेके आइए, हमने बोला ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा, तो हम बोले कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ ब्लेड नहीं है बाबू, तो आप लोग लीक करके। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में जो जब हम लोग जाते हैं ऑनलाइन कराने के लिए, तो वहाँ से पूछा जाता है कि आप कितने दिन बाद आए हैं। 2-4 साल बाद आने के बाद ये पता चलता है, 2-4 साल हो गया है, तो वहाँ के ऑनलाइन करने वाले का कहना होता है कि आप ऐसा करें कि पोर्टल बंद हो गया है और इसके लिए प्रभारी से परमिशन लेना होगा, डाल्टेनगंज से परमिशन लेना होगा, ऑनलाइन जो है सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, अब इसको वहाँ से अप्रूवल करा करके खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन हो पाएगा। अब ऐसे में सवाल होता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है और अनुमंडलीय अस्पताल उसके लिए सर्टिफिकेट निर्गत कर देती है फौरी तौर पर, और उसको जब ले करके चला जाता है व्यक्ति, और फिर 2 साल या 4 साल के बाद जब आता है उसके अप्रूवल के लिए ऑनलाइन कराने के लिए, तो इस तरह का व्यवहार किया जाता है और उससे इस तरह बरगला करके उससे वसूली की जाती है, तो ये क्या नाजायज़ नहीं है? जब इस संदर्भ में पीड़िता ने शिकायत की अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रत्नेश कुमार से, तो उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अनुमंडलीय अस्पताल में इस तरह की चीज़ें होना उचित हैं? इस पर संज्ञान लेने के लिए क्या कोई एक कमेटी बनाई जाएगी? क्या इस पर आरोप लगाने वाले का निवारण नहीं होगा? क्या इसी तरह से अनुमंडलीय अस्पताल चलता रहेगा अपने अंदाज में और लोग उसका शिकार होते रहेंगे? ज़ख़म उंगली में था लेकिन दिल पर भी ज़ख़म देने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मी तैयार थे उस वक्त। मजबूरन एक उसी कर्मी में से एक ने ये कहा कि नहीं, चलिए आइए, मैं इनका ऑपरेशन कर देता हूँ, आप परेशान ना हों, और उस व्यक्ति ने निडिल से उस बच्ची का ऑपरेशन किया, यानी उसके मवाद को निकाला उंगलियों से। अब सोचिए कि अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति जब इस तरह की है तो किस तरह से मानवता शर्मसार हो रही है हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल की, और यहाँ के डॉक्टर रत्नेश कुमार प्रभारी इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है। जब एक जनप्रतिनिधि एक वार्ड पार्षद महोदया के साथ इस तरह का कार्य हो सकता है, इस तरह की भावनाओं को आहत किया जा सकता है, तो आम आवाम के लिए क्या होगा? आप समझ सकते हैं हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति।